हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं सनातन पाल आप लोगों के सामने और एक नया वीडियो लेके आ गया। आज का वीडियो का जो टॉपिक है वो सिम कार्ड रिलेटेड, मतलब आपका नाम पे कितना सिम कार्ड है, ठीक है, आपका नाम पे कितना सिम कार्ड इशू है, तो वो पूरा डिटेल्स आप देख पाएंगे आपका मोबाइल से या फिर कंप्यूटर से, ठीक है, दोनों में से किसी में भी आप देख सकते हैं, ठीक है, घर बैठ के। तो कैसे देखना है तो पूरा डिटेल्स आप लोगों को आगे बताऊंगा, और चेक करके जो आपके पास है वो ठीक है, मतलब जो आपका जानकारी में ये नंबर चालू है तो ठीक है, अगर नहीं है आपका नाम पे तो उसको क्या करना है, आप ब्लॉक भी कर सकते हैं, ठीक है। तो कैसे करना है पूरा डिटेल्स आप लोगों को आगे वीडियो में बताऊंगा, मतलब आप लोगों को ऑन स्क्रीन करके दिखाऊंगा कि कैसे ब्लॉक भी कर सकते हैं, आप देख भी सकते हैं आपके नाम पे कितना सिम कार्ड इशू है, ठीक है। इसके लिए क्या चाहिए, आपका वो मोबाइल नंबर जो है वो चालू रहना चाहिए, ठीक है। तो चलिए सीधा कंप्यूटर स्क्रीन पे उधर जाके आप लोगों को दिखाता हूँ कि आपका नाम पे कितना सिम कार्ड है, आप कैसे पता करेंगे। और एक चीज, आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगा तो मेरा वीडियो को जरूर लाइक करिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, ठीक है। तो चलिए सीधा कंप्यूटर स्क्रीन पे उधर जाके आप लोगों को दिखाता हूँ कैसे आप चेक करेंगे आपका नाम पे कितना सिम कार्ड इशू है। गूगल में आने के बाद संचार साथी पोर्टल, इसको सर्च कर लेना, ठीक है। इसको सर्च करते ही देखिए सबसे पहले नंबर पे आ जाएगा sanchasathi.gov.in, इसको पे क्लिक कर देना। इसको पे क्लिक करते ही आपका जो मेन पोर्टल है वो ओपन होके आ जाएगा। तो इसके आने के बाद अभी इधर देखिए डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन का है, ठीक है, आप लोग वाले वेबसाइट आप उधर देख सकते हैं। तो इधर से आप सीधे स्क्रॉल करेंगे, स्क्रॉल करने के बाद इधर देखिए इधर दो ऑप्शन मिलेगा आपको, ब्लॉक योर लॉस्ट और स्टोलन मोबाइल और नो योर मोबाइल कनेक्शन, ठीक है, नो योर मोबाइल कनेक्शन, कितना कनेक्शन है आपका मोबाइल उसके ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। तो उसके ऊपर क्लिक करने के बाद इधर क्या करना है आपको, आपका नाम पे जो मोबाइल नंबर है, ठीक है, आप जो यूज़ करते हो तो वो 10 डिजिट जो आपका मोबाइल नंबर है वो डाल देना है, ठीक है। वो डालने के बाद फिर कैप्चर जो है जैसे कि वैसे ही फिल कर देना है। वो फिल करने के बाद आपको वैलिडेट कैप्चर पर क्लिक कर देना है। अभी आपका मोबाइल पे जो नंबर उधर दिए है उसमें OTP आ जाएगा। OTP आने के बाद OTP फिल करने के बाद लॉगिन पे क्लिक कर देना है। अभी लॉगिन पे क्लिक करते ही आप देखिए एक नया पेज ओपन होके आ जाएगा। तो इधर आपका जो जितना नंबर है आपका नाम पे, मतलब आपका आधार कार्ड हो, वोटर आईडी जो भी है, आपका पूरा डिटेल्स इधर दिखा देगा, ठीक है। अगर आपका जानकारी में ऐसा कुछ नंबर दिखे तो आप उधर से भी आप ब्लॉक कर सकते हैं, ठीक है। जैसे देखिए ये वाला आप चाहे तो ब्लॉक कर सकते हैं, ठीक है, मतलब आपका कोई दूसरा नंबर है, मतलब जो आपका जानकारी में नहीं है, वो आप इधर से रिपोर्ट भी कर सकते हैं, ब्लॉक भी कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं ऐसा कोई नया वीडियो लगे, तब तक सब अच्छा रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।